हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास टेंथ का आरडी शर्मा का चैप्टर नंबर 3 है और इसकी एक्सरसाइज 3.5 है ये कराऊंगी। इस एक्सरसाइज में आज हम नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमने अपना चैप्टर एनसीईआरटी से कर रखा है, उसमें पूरी टेबल समझी थी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं इनकी, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है देते हैं, आपको पता है वो क्या होती है, ए वन एक्स प्लस में होता है यहाँ पर बी वन वाई इज इक्वल टू में सी वन। ठीक है, या फिर आप इसको हो ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई माइनस का यहाँ पर प्लस का सी वन इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो इसको आप इसी से ही लिख लो क्योंकि कई इक्वेशंस आपको इसी फॉर्मेट में दी होती है। और दूसरी होती है ए टू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ बी टू वाई प्लस का यहाँ हो जाएगा सी टू इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, ये आपकी क्या होती है यहाँ पर जनरल कंडीशंस होती हैं। इसी को ही आप कंपेयर करके हम क्या करेंगे अपना ए वन ए टू बी वन बी टू ये सब फाइंड करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं अब हम यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, एक्स माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू टू। तो अगर हम देखें तो ए वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हम वन लिख सकते हैं। ए टू की वैल्यू हमारे पास थ्री है, बी वन की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री और बी टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ माइनस नाइन, सी वन की वैल्यू है हमारे पास और सी टू। देखो अगर आप इन्हें दोनों को दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, या तो आप माइनस थ्री माइनस टू लिख दो या लिख दो। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं तो ए वन अपॉन ए टू मेरे पास है यहाँ पर वन अपॉन में थ्री, बी वन अपॉन बी टू मेरे पास यहाँ पर है कितना माइनस थ्री अपॉन में माइनस नाइन। इसको इससे कट करेंगे, इनको कट करेंगे तो वन अपॉन में टू है। तो ध्यान से आप देखो यहाँ आपका ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के तो इक्वल है लेकिन वो नॉट इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के, है ना। तो ये कब होता है, जब हम सॉल्यूशन होते हैं, जब सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी, और जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तब कंडीशन होती किसकी होती है, वो होती है यूनिक उसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, और जब ए वन अपॉन ए टू बी टू के इक्वल नहीं होता तब क्या होता है, तब होते हैं हमारे यूनिक सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि कब, इसमें ये बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बतानी थी, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करने हैं उसको, मतलब एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो इस केस में तो नहीं है ना यूनिक सॉल्यूशन, तो छोड़ दो, ये यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। अब अगर हम अपना सेकेंड पार्ट इसका देखें यहाँ पर, अगेन पहले कंपेयर करते हैं। तो ए वन की वैल्यू टू है, ए टू की वैल्यू आपके पास फोर है, बी वन की वैल्यू देखे तो वन है, बी टू की वैल्यू देखे तो टू है, सी वन की वैल्यू देखे तो फाइव है और सी टू की वैल्यू देखे तो टेन है। कंपेयर करके देखते हैं तो ए वन अपॉन ए टू है मेरे पास टू अपॉन फोर, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वन अपॉन में टू। ठीक है, बी वन अपॉन बी टू मेरे पास है यहाँ पर वन अपॉन में टू ही है, और सी वन अपॉन सी टू अगर मैं देखूँ तो वो है मेरे पास फाइव अपॉन में टेन, कट करूँगी तो वन अपॉन में टू आएगा। आप देख रहे हो ये तीनों ही इक्वल है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू में बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू में सी वन अपॉन सी टू। और अभी मैंने आप लोगों को बताया जब तीनों इक्वल होते हैं तब सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस केस में आपके पास कौन से सॉल्यूशन है, आपके पास है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिक वाले में निकालने हैं सिर्फ सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन ही चेंज हो गया, इसका मतलब यूनिक वाला कोई था नहीं हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो इक्वेशन है ना उसके यूनिक सॉल्यूशन है, ये आपको पहले से ही बता रखा है, और आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है हमारे पास ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू होता है बी वन अपॉन बी टू के। चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं, ए वन की वैल्यू के है, ए टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है थ्री, और बी वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ टू है, और बी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास वन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं के अपॉन में थ्री इज नॉट सी टू की, देखो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ही यही होती है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया के इज नॉट इक्वल टू सिक्स। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका मतलब यहाँ k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, बस 6 नहीं होगी क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 6 है वो। ठीक है, इसका भी एक और पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, इसमें भी आपको k की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप पार्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन उसकी कंडीशन लिखोगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है आपके पास ए वन अपॉन ए टू इज
नॉट इक्वल टू में बी वन अपॉन बी टू। अब यहाँ वैल्यूज निकालो, ए वन की वैल्यू 4 है, ए टू की वैल्यू 2 है आपके पास, बी वन की वैल्यू के है आपके पास जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और बी टू की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 4 इक्वल टू में आ जाएगा के अपॉन में 2। अब इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया, तो 2 इज नॉट अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। इसका मतलब के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 4 नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्लियर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब अब जो आपको इक्वेशंस दी गई होंगी ना, उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडीशन क्या थी, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ना, तो पहले वो कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं। वैल्यू आपको यहाँ भी के की फाइंड करनी है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसकी कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू में बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू में सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। वैल्यूज लिखते हैं, ए वन की वैल्यू 2 है, ए टू की वैल्यू देखो तो मेरे पास यहाँ पर के प्लस का 2 है, बी वन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी टू की वैल्यू देखो मेरे पास यहाँ पर 2 के प्लस का 1 है, सी वन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी टू की वैल्यू देखो तो यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में के माइनस का 1, ठीक है। चलो ए वन अपॉन ए टू है, तो इसका मतलब 2 अपॉन में के प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 2 के प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा सी वन अपॉन सी टू, तो 2 अपॉन में 2 ब्रैकेट में आ जाएगा के माइनस का 1, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं, किया पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 4 के प्लस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 के प्लस का 6, ठीक है। अब 4 के पास मैंने क्या किया और 6 के पास मैंने क्या किया, 2 को ले गई, तो k की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन दोनों को भी तो कंपेयर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों को कर रहे हैं, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, आप चाहो तो इस 2 को इस 2 से कट कर सकते हो, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपके थ्री के माइनस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 के प्लस का 1, तो 3 के माइनस का 2 के आ गया और इस 3 को दूसरी साइड ले गई, 1 प्लस का 3 हो गया, तो k की वैल्यू 4 आ गई, दोनों ही साइड से k की वैल्यू सेम आ रही है, क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक और पार्ट है इसी कंसेप्ट पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे, उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम अपनी कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देखें तो a1 अपॉन a2 जो है वो किसके इक्वल होता है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू में क्या होता है आपके पास c1 अपॉन में c2, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास 1 है यहाँ पर, a2 की वैल्यू हम देखें तो यहाँ k प्लस का 1 है हमारे पास, b1 की वैल्यू देखें तो हमारे पास k प्लस का 1 है, b2 की वैल्यू देखें हम यहाँ पर तो 9 है, c1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 के प्लस का 2। चलो लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 अपॉन में यहाँ आ जाएगा k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी और c1 अपॉन c2 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है ना। पहले इन दोनों को कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इस 1 को उधर ले गई तो 8 आ गया और इसको वापसी इधर ही ले आई तो माइनस का 8 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आपकी दो वैल्यूज निकलेंगी k की, क्योंकि k पे स्क्वायर है, तो बीच वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कर देते हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 2k आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8k स्क्वायर आ जाए, तो k स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस का 4k माइनस का 2k आ जाएगा ना, 8k स्क्वायर आपका यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। अब फर्स्ट पेयर में से k को कॉमन लिया तो k प्लस का 4 बचा, सेकेंड पेयर में से 2 को कॉमन लिया तो k प्लस का 4 बचा, इजिकल टू में 0 ऐसी है, तो यहाँ आ जाएगा k माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास k प्लस का 4 इजिकल टू में 0। तो k की वैल्यू एक आपके पास एक बार इसको 0 के इक्वल लग दिया और एक बार आपने क्या किया k को इसके इक्वल 0 के इक्वल लग दिया, तो k की वैल्यू एक बार आपके पास प्लस का 2 आ गई और एक बार k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। तो ये दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर k की निकल गई हैं। अब बात आती है क्या हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जब आप इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही आने वाला है, क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी आपके पास वही चीज़ है, आपको इनफाइनाइटली सॉल्यूशन ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसकी क्या कंडीशन होती है हमारे पास,
वो होती है ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू में होता है, बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू में होता है, सी वन अपॉन में सी टू। ए वन की वैल्यू देखे तो 2 है, ए टू की वैल्यू देखे तो 6 है हमारे पास, बी वन की वैल्यू देखे तो के माइनस का 2 है, बी टू की वैल्यू देखे तो हमारे पास 2 के माइनस का 1 है, सी वन की वैल्यू देखे तो के है, सी टू की वैल्यू देखे तो यहाँ पर 2 के प्लस का 5 है। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। तो 2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू में के माइनस का 2 अपॉन में 2 के माइनस का 1 इज इक्वल टू में के अपॉन में 2 के प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को यूज किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे पहले कट कर दिया तो 1 अपॉन में 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के माइनस का 1 और 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 के माइनस का 6। अब 2 के माइनस का 3 के कर दिया मैंने और यहाँ पर आ गया माइनस 6 प्लस का 1, तो माइनस का के इज इक्वल टू में माइनस का 5 आ गया। यहाँ से मेरी के की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, 5 निकल गई। ठीक है, अब अगर हम देखें वहाँ पर तो हमारी वहाँ से इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस का 2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2k प्लस का 5 इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का k। अब इसमें भी फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट लग जाएगा, 5 से माइनस 2 को किससे करेंगे, 2k प्लस 5 से, और इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 2k स्क्वायर माइनस का k ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2k स्क्वायर प्लस का यहाँ आ जाएगा 5k माइनस का यहाँ आ जाएगा 2, 2 जो 4k, अब प्लस माइनस माइनस 2 5 जो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपस में कट हो जाएंगे, यहाँ पर 5k में से 4k जाएंगे तो k बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का माइनस उधर ले गई तो 2k इजिकल टू में 10 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दोनों से ही सेम आएगी, आप किसी भी एक से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। तो इसमें भी आपको इनफाइनाइट मैनी ही सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो कंडीशन लिख लेते हैं पहले हम अपनी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 जो है वो किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के, अब वो किसके इक्वल होता है, c1 अपॉन c2 के। तो a1 की वैल्यू देखें तो 2 है आपके पास, a2 की वैल्यू देखूं तो मैं यहाँ पर k प्लस का 1 है आपके पास, b1 की वैल्यू देखूं तो वो आपके पास 3 है, b2 की वैल्यू देखूं तो वो आपके पास 2k माइनस का 1 है, c1 की वैल्यू आपके पास 7 है, c2 की वैल्यू आपके पास 4k प्लस का 1 है। चलो कंपेयर करते हैं। तो 2 अपॉन में आ जाएगा k प्लस का 1 इज इक्वल टू में 3 अपॉन में आ जाएगा 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू में 7 अपॉन में आ जाएगा 4k प्लस का 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को यूज करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4k माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3k प्लस का 3। ठीक है, अब 4k ये इधर आ गया माइनस का 3k, इस 2 को उधर ले गई तो प्लस का 2 हो गया, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 5। अब आप भी सेम ही आएगी, आप निकाल के देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों को यूज करके के की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही अपने कंप्लीट करेंगे, आगे के भी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस हैं, तो आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन 8 क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।